नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के बैनर तले जिला संयोजक राजधर यादव की अध्यक्षता में भारत रत्न स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर जी के श्रद्धांजलि सभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नम आंखों में एक मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात लता जी के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लता मंगेशकर हमारे भारत की गौरव थी, उनके स्वर्ग में साक्षात सरस्वती का वास था। श्रद्धांजलि सभा से क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत रत्न स्वर्ण कोकिल लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं रही। वह भारत के वो अमूल रत्नों में से एक थी जिसको हमने आज खो दिया, भारत ने खो दिया। लगता है वास्तविक में लता जी सरस्वती जी की पुत्री थी और उनके स्वर में सरस्वती जी का वास था। आज बहुत सारे उनके गीत प्रचलित हैं जो पुरानी पीढ़ी से लेके नए पीढ़ी तक को बहुत सारे संदेश वह देते रहे हैं। श्रद्धांजलि देके आज उनको नमन कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ जिला सुपौल के बैनर तले आज श्रद्धांजलि सभा का किया गया। मैं जिला संयोजक राजधर यादव सुपौल से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।